7 देखिए अभी तक धातांग पढ़ रहे थे अब आज काम और समय के अभ्यास में एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे ठीक है एक्सरसाइज 6.1 काम और समय पहला सवाल देखिए रमेश एक कार्य 15 घंटे में करता है रमेश एक कार्य 15 घंटे में करता है जबकि सीमा 12 घंटे में कर सकती है सीमा उसी काम को 12 घंटे में कर सकती है एक साथ कार्य करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो इनको कितना समय लगेगा अकेले रमेश एक कार्य को 15 घंटे में करता है रमेश एक काम 15 घंटे में करता है और सीमा उसी काम को 12 घंटे में करती है अकेले लेकिन दोनों मिलकर काम करेंगे तो पूरा काम करने में दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा ठीक है तो इसका मतलब ये तो निश्चित है कि दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो कम समय लगेगा पर मालूम करना है कि दोनों को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 रमेश द्वारा 15 घंटे में किया गया कार्य बराबर है या रमेश एक काम को करता है रमेश एक काम को करता है 15 घंटे में कितने घंटे में 15 घंटे तो रमेश द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर रमेश द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य एक बटे 15 भाग एक घंटे में उस काम का 1/15 भाग रमेश करेगा फिर सीमा सीमा एक काम को करती है एक काम करती है 12 घंटे में सीमा एक काम को करती है 12 घंटे में कितने घंटे में 12 घंटे तो सीमा द्वारा 1 घंटे में किया गया सीमा द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 1/12 सीमा द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 1/12 तो दोनों द्वारा दोनों के द्वारा साथ-साथ एक घंटे में किया गया कार्य बराबर 1/15 + 1/12 1/15 + 1/12
12 दोनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 1 बटे 15 प्लस 1 बटे 12 बराबर इसमें देखिए लासा आएगा 12 पंचे 60 और 12 के 12 6 18 180 कितना आया 180 अब 15 का भाग 180 मिलेंगे 15 के 15 बचे 3 फिर 15 दूनी 30 12 आएगा क्या आएगा 12 और 12 का भाग 180 में देंगे कितना आ जाएगा 12 के 12 बचे 6 और 12 बचे 60 15 आएगा तो यहां क्या आ जाएगा 15 के 15 अब ऊपर ऊपर का जोड़ देंगे तो 15 12 27 बटे 180 कितना आया 27 बटे 180 भाग तो पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर कार्य करने भी में लगा समय बराबर पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा 1/27 और बटे 180 बराबर ये 1/180 बटे 27 ठीक है और बराबर कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा तो 6 सही 18 बटे 27 6 सही 18 बटे 27 बढ़ जाएगा 2 से 3 बराबर 6 सही 2 बटे 3 घंटे कितना समय लगेगा 6 सही 2 बटे 3 घंटे ठीक है कोई प्रॉब्लम फिर से देखिए रमेश एक काम को करता है 15 घंटे में कितने घंटे में 15 घंटे में तो रमेश द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 1/15 भाग इसी प्रकार सीमा एक काम को करती है 12 घंटे में तो सीमा द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 1/12 भाग फिर दोनों के द्वारा साथ-साथ 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 1/15 प्लस 1/12 ये क्या प्लस कर देंगे तो 15 और 12 का लाशा निकालेंगे 15 12 का लाशा 180 आया अब 15 का भाग 180 में देंगे तो कितना आया 12 बार जाएगा 12 का 1 में गुणा तो 12 के 12 इसी प्रकार 12 का भाग 180 में देंगे तो 15 बार जाएगा और 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा तो 12 प्लस 15 ऊपर ऊपर का जोड़ देंगे तो 12 15 27 क्या आ जाएगा 27 27 बटे 180 भाग 1 घंटे में दोनों 27 बटे 180 भाग काम करेंगे पूरा काम करने में लगा समय बराबर 1/27/180 तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी अर्थात 1/180/27 बराबर 27 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा 18 से बचेगा तो 6 सही 18/27 और 18 को 9 से काट दो 9 दूनी 18 9 27 बराबर 6 सही 2/3 घंटे कितना समय लगेगा 6 सही 2/3 घंटे थोड़ा कठिन सवाल है लेकिन कुछ भी कठिन नहीं ठीक है कोई प्रॉब्लम समझ में आया देखिए अगला सवाल सेकंड ए और बी
साथ साथ एक खेत को 10 दिन में जोत सकते हैं। ए और बी 10 दिन में पूरा खेत जोत सकते हैं। यदि ए अकेला इसी खेत को 10 दिन में जोत सकता है तो बी अकेला खेत इस खेत को कितने दिन में जोत पाएगा। ठीक है, ये सवाल पहले सवाल का जस्ट उल्टा। ठीक है, ए और बी साथ साथ एक खेत को 10 दिनों में जोत सकते हैं, अर्थात ए और बी का एक दिन का काम बराबर पहले लगाएंगे तो ए और बी का बी पूरा खेत जोतते हैं 10 दिन में, ए और बी मिलकर पूरा खेत जोतते हैं 10 दिन में। सेकंड, ए और बी मिलकर एक खेत जोतते हैं हैं 10 दिन में। ए और बी एक खेत मिलकर जोतते हैं 10 दिन में, तो ए और बी का एक दिन का काम बराबर 1/10 था। ए और बी एक खेत को जोतते हैं 10 दिन में, तो ए और बी का एक दिन का काम बराबर 1/10 था। एक अकेले पूरा खेत जोतता है 18 दिन में, ए अकेले पूरा खेत जोतता है 18 दिन में, कितने दिन में 18 दिन में। ए का अकेले एक दिन का काम बराबर 1/18 भाग, कितना 1/18 भाग। ए अकेले पूरा खेत जोतता है 18 दिन में, तो एक दिन का काम बराबर 1/18 भाग आता। बी का एक दिन का काम बराबर 1/10 माइनस 1/18, क्योंकि ए और बी मिलकर पूरा काम करते हैं एक दिन में 1/10 भाग, तो ए बी का एक दिन का काम बराबर 1/10 माइनस 1/18, तो 18 और 10 का लाभ निकाल लो, क्या जाएगा 90, क्या जाएगा 90, 10 नहीं है 90 और 18 बचे 90 बराबर 4/90 भाग, 4/90 भाग। तो बी पूरा काम करेगा, बी पूरा काम करेगा करेगा 1/4/90 बराबर 90/4
बाईस सही दो बटे चार बराबर बाईस सही एक बटे दो दिन में बाईस सही एक बटे दो दिन में ठीक। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ए और बी मिलकर एक खेत को जोतते हैं दस दिन में। ए और बी का एक दिन का काम बराबर एक बटे दस भाग। ए अकेले पूरा खेत जोतता है 18 दिन में, तो ए का अकेले एक दिन का काम बराबर एक बटे 18 भाग। अतः बी का एक दिन का काम बराबर एक बटे दस माइनस एक बटे 18 ठीक है। तो 9 18 दामा 180, इसका लासा क्या है 10 और 18 का 90, 10 नहीं है 90, 9 और यहाँ 18 पंचे 90 5 कितना आया 9 माइनस 5 बराबर 4 बटे 90। बी पूरा काम करेगा 1 बटे 4 बटे 90, संख्या पलट जाएगी बराबर 90 बटे 4 बराबर 22 सही 2 बटे 4 दिन में, एक के दो दो दिन चार 22 सही बटे दो दिन में माने 22.5 दिन में बी पूरा काम कर लेगा ठीक है। कोई प्रॉब्लम आप क्वेश्चन नंबर तीसरा खुद कर लेना, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 स्वयं ठीक है।